नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रायोगिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जा सकेगा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। नोटिफिकेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें 8 फरवरी 2022 नोटिस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर नॉन रेगुलर कैंडिडेट्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रशिक्षण संबंधी विज्ञप्ति। विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के स्नातक कला विज्ञान पास कोर्स एवं एडिशनल एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा 2022 के लिए जिन स्वयं पाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषयों का चयन किया है उन्हें चयनित प्रायोगिक विषय में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित महाविद्यालय का चयन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन वेबसाइट www.univiraj.org द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिंक पर निम्नलिखित दिनांक तक करना होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है इसके संदर्भ में भी हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सीवर हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि के संदर्भ में 7 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर्वप्रथम परीक्षार्थियों को उक्त वेबसाइट के लिंक पर पूर्व में ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म का नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात परीक्षार्थियों का प्रायोगिक विषय एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित विवरण अपलोड होगा। इसके पश्चात निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों महाविद्यालय अथवा विभाग में से अपने नज़दीकी महाविद्यालय जहां पर उनके विषय उपलब्ध हो चयन कर अंकित करना है। ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने के पश्चात प्रशिक्षण फॉर्म का प्रिंट लेकर चयनित महाविद्यालय में जमा कराना होगा। तो स्पष्ट किया गया है कि जो प्रशिक्षण फॉर्म है उसका हमें प्रिंट लेना है और चयनित महाविद्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। प्रशिक्षण की अनिश्चित तिथि हेतु संबंधित महाविद्यालय अथवा विभाग जहाँ पर प्रशिक्षण शुल्क की हार्ड कॉपी जमा करवाई है से संपर्क करें। प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा, अन्य किसी माध्यम से शुल्क जमा नहीं होगा। तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। समस्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा 2022 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करना है। स्नातक पार्ट सेकंड, थर्ड एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु मुख्य आवेदन पत्र भरने के 2 दिन पश्चात प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण संबंधी निर्देश, प्रशिक्षण केंद्रों की सूची एवं प्रशिक्षण शुल्क संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के संदर्भ में। स्नातक परीक्षार्थियों हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की सूची यहां दी गई है, इसके संदर्भ में हम जानकारी ले सकेंगे।
कॉलेज कोड दिया गया है, नेम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जयपुर, डिस्ट्रिक्ट कोटा, दौसा। भूगोल हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की सूची यहाँ दी गई है। बकाया प्रश्न पत्र ड्यू पेपर्स का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी संबंधित महाविद्यालय में ही आयोजित होगा। प्रशिक्षण शिविर उसी महाविद्यालय में आयोजित होंगे जहां पर प्रशिक्षण शुल्क की हार्ड कॉपी प्रस्तुत कर पंजीकरण करवाया है। संबंधित महाविद्यालय अथवा विभाग स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण शिविर की बैच या तिथियाँ निर्धारित कर छात्रों को अपने स्तर पर सूचित करने का श्रम करें। प्रशिक्षण शुल्क प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण लेने वाले स्नातक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थी द्वारा प्रति विषय ₹1500, कला संकाय के परीक्षार्थियों हेतु प्रति विषय ₹1000, स्नातकोत्तर भूगोल विषय के लिए ₹2000 प्रति विषय। प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवाना होगा। प्रशिक्षण शुल्क सावधानीपूर्वक जमा करवाएं। प्रशिक्षण नहीं लेने अथवा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने जैसी स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क जमा करवाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाइन जमा प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क महाविद्यालय को किसी भी स्थिति में नहीं दे। शुल्क जमा करवाने के पश्चात प्रशिक्षण फॉर्म का प्रिंट लेकर चयनित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा, अन्यथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। चयनित महाविद्यालय जहां पर हार्ड कॉपी जमा करवाई है, प्रशिक्षण प्रारंभ होने की निश्चित तिथि हेतु परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय अथवा विभाग से संपर्क करें। संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों महाविद्यालयों को यह भी निर्देशित किया जाता है। तो यह महाविद्यालयों के संदर्भ में जो है जानकारी दी गई है। परीक्षार्थियों की अधिकतम सीमा 500 परीक्षार्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है, आवश्यक होगा विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर। परीक्षार्थियों की कक्षा या संकायवार सूची महाविद्यालय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड होगी। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन पंजीकरण किस प्रकार किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में हमने जानकारी ली। 7 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेन वेबसाइट पर हमें आना होगा। स्टूडेंट कॉर्नर दी गई लिंक पर हम क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम यहाँ क्यूक लिंक्स के अंतर्गत भी एग्जामिनेशन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर 2022 का लिंक दिखाई देगा। univiraj.org दी गई लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने सिक्योरिटी को डज नॉट मैच का ऑप्शन होगा। इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, यहाँ पर ओके करेंगे। मेन मेन्यू में जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमें .org तक इसे हटाना होगा, और इसके पश्चात यहाँ पर हमें एंटर दबा देना होगा। एंटर दबाने के पश्चात हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने जो प्रैक्टिकल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन रिप्रिंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चेक चालान पेमेंट स्टेटस, फीस जमा करने के बाद अपने चालान का स्टेटस जानिए। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने सेलेक्ट यूजी पीजी अदर कोर्सेज का लिंक मिलेगा। यहाँ पर हमें सेमेस्टर, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो लिंक है हमें यहाँ देख सकते हैं। हमें यूजी को फिल करेंगे, इसके पश्चात यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आर्ट्स बीए पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर हम पीजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पीजी। पीजी के पश्चात यहाँ एमए प्रीवियस, और यह हम सेलेक्ट कर लेंगे एमए या एमएससी प्रीवियस जियोग्राफी एग्ज़ाम 2022। ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने मेन एग्ज़ाम फॉर्म नंबर लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स में। प्रोसीड पर क्लिक करके हमारे सामने जो ओपन होगा उसमें हमें अपनी सब्जेक्ट के संदर्भ में और फीस जमा कराने के संदर्भ में जानकारी मिल जाएगी। फीस जमा कराने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर संबंधित महाविद्यालय जिसका हमने चयन किया है वहाँ पर उसे जमा कराना होगा। इस तरह से हम जो एप्लीकेशन फॉर्म से आसानी से फिल कर सकते हैं। रीप्रिंट प्रैक्टिकल फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। मेन एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके हम जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट ले सकेंगे। चेक चालान या पेमेंट स्टेटस यहाँ पर हम प्रोसीड कर फॉर्म नंबर मेन एग्ज़ाम फॉर्म नंबर फिल करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करके हम जो चालान की जो डिपॉजिट फीस है उसकी स्थिति हम चेक कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल सेम पार्टी परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल के संदर्भ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी ली। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।